सावन माह में आल्हा के गायन का बड़ा महत्व है। ऐतिहासिक योद्धा आलाउदल के जीवन का बखान किया जाता है। आल्हा खंड में उनके जीवन का संपूर्ण वर्णन मिलता है। भादो पक्ष की स्थिति में रक्षाबंधन में जब आल्हा अपनी बहनों संग रक्षाबंधन मनाने गए हुए थे और उनकी बहनें कजलिया सेनाने नदी गई हुई थी, तब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने मोहेवे पर आक्रमण कर दिया। तब आल्हा ने साधु का वेश रख अपनी बहनों को बचाया था, इसीलिए आज का दिन खास है और आल्हा खंड में इसका विस्तृत वर्णन है। आल्हा गायन की यह परंपरा अब कम हो रही है, परंतु महराजपुर रेलवे स्टेशन में आल्हा गायन का कार्यक्रम हुआ, जहां आल्हा परंपरा को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। भादों शुरू हुआ है और देख रहे हैं कि आल्हा का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, जबकि अब देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे यह परंपरा समाप्त होते जा रही है। क्या कहेंगे आप इस विषय में? सभी देशवासियों को मेरा भाव भरा प्रणाम, नमन वंदन। क्योंकि अपना भारत देश बहुत ही महान है और ऋषि प्रणाली परंपराओं में चलते हैं, इस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो हमारे देश में नाना प्रकार की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, जिसमें से एक ग्रंथ है ये आल्हा का है। आल्हा एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने माँ भगवती को अपना शीश चढ़ा करके और अपने पूजन समर्पित किया था और माता से सभी के कल्याण की बात कही थी, तो उन्हीं की देन है आज ये संस्कृति जो है चल रही है और जो है ये लुप्त होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, इस कारण से जो है नए जनरेशनों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जबकि प्राचीन संस्कृति अपनी मूलभूत संस्कृति जो अपनी जड़ है जिससे अपना वंश चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें फलीभूत हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यदि हम इन संस्कृति को यदि छोड़ देंगे, ये इन ग्रंथों को अपन छोड़ देंगे, तो निश्चित ही हम भटक जाएंगे। हमारा पूरा जो क्या कहते हैं जिसको हमारा जो पूरा जो ये देश है ये भटक जाएगा। जो हमारा देश है जगत गुरु देश कहलाता है, वो इसी ग्रंथ के कारण कहलाता है, इन्हीं संस्कृतियों के कारण कहलाता है और इसी से महान बनते हैं, इसी से लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को जानें, समझें और उससे अवगत हों। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में जो हमें
मार्गदर्शन देती है वो इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। और हमारा सभी से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। यदि हम इन्हें छोड़ते हैं तो निश्चित ही हम पतन के गर्त में गिरते चले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने साहित्य ग्रंथों को याद रखें, पढ़ें, उनको मनन करें, अपने आत्मसात करें और उन्हीं सिद्धांतों पर अपने जीवन में डालें। और इसी उद्देश्य से ये सारी चीज़ें आप ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये कौन सा ग्रंथ है? ये आल्हा खंड है। इसमें जैसे रामायण में अलग अलग कांड होते हैं, वैसे इसमें भी अलग अलग कांड हैं। इसमें लड़ाइयों के हैं, जिसमें खासकर आज का जो दिन है, आज जो है भादो पक्ष के कजली तीज का जो दिन है, इसमें खजलियाँ हैं। इसमें जो है आला कूटलों ने मिलकर के अपनी बहन ने जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, राखी जो बांधी थी, और उसमें जो भुजलियाँ बोती हैं, उस भुजलियों को सिरने के लिए सागर ताल में गई थी। और जो दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज, तो वो मोहबे में चढ़ाई कर दिया था, तो उसको बचाने के लिए और भुजलियाँ सिरवाने के लिए आला उदल ने साधुओं का भेष बना करके मोहबे में आकर के और अपने भेष को बचाया था और अपने बहनों की रक्षा की थी। उनके डोलों को वापस सागर ताल तक ले गए थे और वापस मोहबे तक वापस लेकर आए थे। अपनी बहन की रक्षा की थी और पूरे देश की रक्षा की थी। इस कारण से भुजलियों का त्यौहार मनाया जाता है और उन्हीं की याद में ये आला को गाया जाता है।